दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म और फाइनली देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी के घर पे गणपति विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे मुकेश अंबानी की पूरी फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव वीडियो, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड लगा हुआ है। मुकेश अंबानी जी के घर पे जो ना 1.5 दिन का गणपति रखा जाता है और यहाँ मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी भी है और यहाँ पे देख सकते हैं नीता अंबानी गणपति पापा मोरिया मोरिया बोल रही हैं और यहाँ पे देख सकते गाइस कितना ज्यादा यहाँ पे क्राउड लगा हुआ है। यहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रहा है लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये रहा मुकेश अंबानी जी का घर एंटेलिया हाउस, भाई ये 27 मंजिला इमारत है और ये 15,000 करोड़ का घर है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप इस बच्चे होंगे। सो दोस्तों अभी हम आए हुए मुंबई के अल्टमान कुंबला हिल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के नहीं बल्कि एशिया के अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का घर। और साथ ही हम आपको बता दें आज है ना उनके घर पे गणपति विसर्जन, उनके घर पे 1.5 दिन का गणपति रखा जाता है और आज है उनके घर पे विसर्जन। आपको बता दें मुकेश अंबानी की पूरी फैमिली जो ना साथ में गणपति विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों हम आपको ना पूरा लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं कि मुकेश अंबानी के घर पे किस तरह से विसर्जन किया जा रहा है, पूरा मैं आपको लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी हम आपको ना सीधे लेके चलते हैं मुकेश अंबानी जी के घर पर। तो चले गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंटेलिया हाउस, ये मुकेश अंबानी जी का घर है। आपको बता दें आज है उनके घर पे गणपति विसर्जन, 1.5 दिन का गणपति रखा जाता है और आज हम जो ना ठीक उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो ना आप जरा भी स्किप मत करिएगा और ये रास्ते का नज़ारा है। चलिए गाइस मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ एंटेलिया हाउस का नज़ारा और रात को किस प्रकार से दिखाई देता है। और अभी हम जो ना ठीक उनके घर के सामने ही पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मुंबई के अल्टमान कुंबला हिल में, यहाँ पे मुकेश अंबानी जी का घर है और ये ठीक उनके घर के सामने का नज़ारा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाया गया है, कितना ज़्यादा यहाँ पे डेकोरेशन से सजाया गया है। दोस्तों अभी आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुकेश अंबानी जी के घर पे गणपति विसर्जन है और यहीं पे मुकेश अंबानी जी जो है अपनी फैमिली साथ में वह रहते हैं। ये 27 मंजिला इमारत है, आप देख सकते हैं गाइज इस घर की प्राइस जो ना करीब 15,000 करोड़ रुपये है। जी हाँ 15,000 करोड़ रुपये है और ये मुकेश अंबानी जी के घर के सामने का नज़ारा है। आपको बता दें इस घर में जो ना मुकेश अंबानी के घर में करीब 600 कर्मचारी लोग काम करते हैं और ये मुंबई के अल्टमाउन कुंबला हिल में घर स्थित है। आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सजाया गया है और इसी घर में मुकेश अंबानी अपनी फैमिली के साथ में वह रहते हैं। आज है गणपति विसर्जन। तो दोस्तों इस वीडियो को जो ना आप जरा भी इसकी मत करिएगा, मुकेश अंबानी जी के घर के सामने का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ, देख सकते गाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री गणेशाय, श्री गणेशाय और ये मेन गेट यही है। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखाऊंगा मेन गेट की तरफ का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देता है। और ये है एंटेलिया हाउस। आपको बता दें इस घर की प्राइस लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ 15,000 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी जो ना भारत के नहीं बल्कि एशिया के अमीर व्यक्ति हैं और यहीं पे मुकेश अंबानी सर रहते हैं। आज उनके घर पे गणपति विसर्जन और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही देर बाद गणपति विसर्जन मनाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते काफ़ी आलीशान सा यह घर है। इस घर की प्राइस लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया 15,000 करोड़ रुपये है और ये 27 मंजिला इमारत है। बहुत ही खूबसूरत घर है गाइज, मुंबई के बहुत ही पॉश इलाके में पड़ता है मुकेश अंबानी जी का घर। आपको बता दें भारत के नहीं बल्कि एशिया के अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का घर यही है एंटेलिया हाउस। ये उनके घर के सामने का नज़ारा है और ये कितना बेहतरीन से इस घर को सजाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस रथ भी तैयार हो चुका है, बस कुछ ही देर बाद जो ना यहाँ पे गणपति को लेके जाएंगे और मैं आपको पूरा लाइव व्यू दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको थोड़ा मेन गेट की तरफ लेके चल के दिखाता हूँ मुकेश अंबानी जी के घर का मेन गेट कैसा दिखाई देता है। और ये एंटेलिया हाउस का नज़ारा है भाई, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, पूरा इसको जो ना दुल्हन की तरह इस घर को सजा दिया गया है। और मैं आपको अभी मेन गेट की तरफ लेके चल के दिखाता हूँ और ये रथ अभी तैयार हो चुका है। बस ये देखिए यहाँ पे ये रथ तैयार है और यहाँ मेन गेट ये है और गेट के बगल में सभी लोग खड़े हुए हैं
और गणपति बापा का दर्शन करने के लिए। और मैं आपको पूरा लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, जरा भी आप इसकी मत करिएगा। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पे लेके जाएंगे गणपति बापा को विसर्जन करने के लिए। और ये एंटीलिया हाउस का नजारा है, देखिएगा कितना अच्छे से डेकोरेशन से सजाया गया। यहाँ पे लिखा हुआ श्री गणेशाय नमः। और यहाँ पे देख सकते हैं रथ को ना बहुत ही बेहतरीन से सजा दिया गया है। और इसी रथ में बैठ के जाएंगे मुकेश अंबानी जी की फैमिली। और ये देखिएगा इनके घर के बगल का नजारा है, पूरा रास्ते को जो ना बेहतरीन से सजा दिया गया है। तो चलिएगा जी इंतजार की घड़ी खत्म, और अभी हम आपको ना दिखाने जा रहे हैं गणपति विसर्जन।
और यहाँ पे देख सकते हैं गणपति विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितना ज्यादा क्राउड लगा हुआ है। यहाँ पे ना बहुत ही दूर दूर से आए हुए थे इंटीरियर हाउस का नजारा देखने के लिए, गणपति विसर्जन को देखने के लिए। सो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय। और ये रहा इंटीरियर हाउस।